जम्मू कश्मीर के एक गांव के सरपंच की पहल रंग ला रही है। अनंतनाग जिले के सादीवारा एक गांव के सरपंच फारूक अहमद गनी ने इलाके को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने की अपनी मुहिम के तहत प्लास्टिक कचरे को खेतों और जल निकायों में फेंकने से रोकने के लिहाज से पॉलिथीन के बदले सोने के सिक्के देने का ऐलान किया। सरपंच फारूक अहमद के मुताबिक 20 क्विंटल पॉलिथीन लाने वालों को सोने का सिक्का दिया जाएगा, जबकि इससे कम पॉलिथीन लाने वालों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत फारूक अहमद ने अपनी इस मुहिम की शुरुआत न्यू पॉलिथीन गेट रिवार्ड का नारा देकर की, जिसे अब वो सोने के सिक्का देने का ऐलान कर आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और मैंने ये सोचा कि ये प्लास्टिक वेस्ट जो है बहुत सारा है और प्लास्टिक वेस्ट को ओवरकम करने के लिए हमें किस तरह क्या करना चाहिए।